हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी नान खटाई की रेसिपी, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, वो भी बिना बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के। नान खटाई को हम बिना ओवन के बहुत ही आसानी से प्रेशर कुकर में बना सकते हैं और ये उतनी ही टेस्टी लगती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिले। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, 2 चम्मच बारीक वाली सूजी, आधा कप घी। अगर हमें घी की और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम 1 से 2 चम्मच घी और यूज़ करेंगे। 1 कप पिसी हुई चीनी, चीनी को मैंने मिक्सर जार में पीस लिया था, आधा चम्मच इलायची पाउडर और गार्निश के लिए बारीक कटे हुए पिस्ता, आप यहाँ पर काजू या बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे मैदा, बेसन, सूजी। सूजी से नान खटाई थोड़ी क्रंची बनती है, जो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और 1 पिंच नमक। नमक ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। नमक डालने से इसका टेस्ट थोड़ा और इन्हांस हो जाता है। नान खटाई को आप जब भी बनाएं तो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हमेशा छान के ही यूज़ करें। इससे अगर इनमें कुछ गुठलियाँ या मोटे लम्ब्स होंगे तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे छान लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक दूसरे बड़े बर्तन या बोल में हम डाल देंगे आधा कप घी। घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप घी या बटर यूज़ करें, उसे रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करें। उसमें हल्के दाने होने चाहिए, वो पूरी तरह पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, तो चीनी को भी हम छान के डालेंगे। अब घी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें और हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा और क्रीमी ना हो जाए। हम इसे लगातार इस तरीके से चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। धीरे धीरे इसमें हवा भरती जाएगी और ये काफ़ी लाइट और फ्लफी हो जाएगा। आप इस स्टेप को ज़रूर करें, इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जितने अच्छे से आप इसे फेंटेंगे, उतनी ही अच्छी नान खटाई बनके तैयार होगी। मुझे इसे फेंटते हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी लाइट, फ्लफी और क्रीमी लग रहा है। तो अब हम इसमें वो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डाल देंगे जिसे हमने छान के रखा था। तो एक बार आप चम्मच से इसे ऐसे मिक्स कर लें और फिर हम हाथ से इसका डो लगा लेंगे। डो लगाने से पहले आप हाथों को अच्छे से धोकर साफ कर लें और इसके बाद हल्के हाथों से ऐसे मसलते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। स्टार्टिंग में ये मिक्सचर आपको थोड़ा ड्राई लगेगा, तो एक बार आप इसका ऐसे पेड़ा बनाने की कोशिश करें। अगर ये पेड़ा ठीक से नहीं बन पा रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी और डाला है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। पर ध्यान रहे कि आप इसमें दूध डालकर इसका डो ना लगाएं, नहीं तो जो नान खटाई है वो थोड़ी हार्ड बनेगी। तो जब भी आपको ये मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा लगे, आप इसमें थोड़ा सा घी और डालें और फिर इसका डो लगा लें। तो पेड़ा अच्छे से बन रहा है, घी बिल्कुल सही है। अब हम इसका स्मूथ सा एक डो लगा लेंगे। कभी अगर आपसे ये डो थोड़ा ढीला लग जाए तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच मैदा या बेसन डालकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो डो तैयार है, अब हम इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए तब तक कुकर को हम प्री हीट कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक कुकर रख दिया है और गैस का फ्लेम हम लो पर रखेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे नमक और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये वही नमक है जो हम रेगुलर खाने के लिए यूज़ करते हैं। जब नमक का यूज़ हो जाए तो आप इसे किसी डब्बे में बंद कर स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। और अब कुकर को हम ढक के इसे गर्म होने देते हैं। हम आज नान खटाई को इडली स्टैंड में बना रहे हैं, तो हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप नान खटाई को प्लेट में बना रहे हैं तो उसे भी पहले ग्रीस कर लें। और फिर कुकर के बॉटम में आप इस तरीके का कोई भी एक स्टैंड रख लें, जो भी आपके पास हो, और इसके ऊपर आप नान खटाई की प्लेट रखें। ऐसा करने से नान खटाई को धीरे धीरे हीट मिलती है और वो बहुत अच्छे से बेक होती हैं। पर आज हम नान खटाई को इडली स्टैंड में बना रहे हैं, तो अभी हमें इन स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। करीब 15 मिनट हो गए हैं, डो को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये हल्का सा टाइट हो गया है और अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इनके मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आप इन्हें बड़ा ना बनाएं, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये फूल के ऑलमोस्ट डबल साइज़ के हो जाते हैं। इसे हल्के हाथों से ऐसे शेप दे दें, बहुत ज़्यादा आप इसे चपटा ना करें। और इसके बीच में आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं और इसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चिपक जाएँ। और बस इसे हम स्टैंड पे रख देंगे। ड्राई फ्रूट्स इस पे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं।
तो इसी तरीके से हम सारी नान खटाई बना लेंगे। अगर आप इन्हें प्लेट में बना रहे हैं तो आप इन्हें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखें, क्योंकि जब ये बेक होती हैं तो काफ़ी फूलती हैं, तो इनका शेप खराब ना हो इसके लिए आप इन्हें थोड़ी दूरी पे रखें। तो मैंने सारी नान खटाई को ट्रे में रख दिया है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप नान खटाई को ऐसे अल्टरनेट रखें, एक के ऊपर एक ना रखें, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो ये काफ़ी फूलती हैं, तो ऊपर की ट्रे से इनका शेप खराब हो सकता है। कुकर अच्छे से गर्म हो गया है तो अब सावधानी से हम इस स्टैंड को कुकर के अंदर रख देंगे और अब लिड से हम इसे ढक देंगे। हमें इसे बंद नहीं करना, सिर्फ ऐसे ढकना है। अब इसे हम लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपकी कुकर की साइज, गैस की फ्लेम और नान खटाई की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बीच में आप इसे एक दो बार चेक जरूर कर लें। यहाँ पर मुझे करीब 15 मिनट हो गए हैं और ये फूलना स्टार्ट हो गई है, पर अभी ये पूरी तरीके से कुक नहीं हुई है। तो मैंने इसे वापस से ढक दिया है और इसे कुछ देर के लिए हम और बेक होने देंगे। तो इन्हें बेक होते हुए टोटल 25 मिनट हो गए हैं। आइए एक बार हम इन्हें और चेक कर लेते हैं। तो नान खटाई फूल की ऑलमोस्ट डबल साइज की हो गई हैं और इनमें बहुत ही हल्का सुनहरा रंग आ गया है। तो नान खटाई बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, पर अभी आप इसे बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि ये बहुत गर्म है और इस टाइम पे ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो ये टूट सकती हैं। तो मैंने इनको कुकर से बाहर निकाल दिया है और अभी हम इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम इसे ट्रे से निकालेंगे। जब भी हम इडली स्टैंड में कुकीज़ बनाते हैं तो जो नीचे वाली ट्रे में कुकीज़ होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा ब्राउन होती हैं और जो ऊपर वाली ट्रे में कुकीज़ होती हैं वो थोड़ी लाइट ब्राउन होती हैं। तो जब भी आप इन्हें बेक करें तो ध्यान रखें कि जो नीचे ट्रे में कुकीज़ हैं वो ना जलें। बहुत ही प्यारा कलर आया है इनका और ये बहुत अच्छे से बेक हुई हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती हैं। तो एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। आप इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल टेस्टी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्टी लाइफ।